एन वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से आया है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी। लाइफ मतलब जीवन और टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। इसका मतलब बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन करना। बायोस लोगोस स्टडी ऑफ लाइफ, इसीलिए बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं इसीलिए बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का अर्थ लाइफ और लोगोस का अर्थ टू स्टडी, अध्ययन करना। अब बायोलॉजी शब्द को किसने बनाया? बायोलॉजी शब्द को दो वैज्ञानिकों के द्वारा मिलकर बनाया गया, एक थे लेमार्क और दूसरे ट्रेविरेनस। तो बायोलॉजी शब्द लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा बनाया गया। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी को परिभाषित करेंगे। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते। जीवधारियों अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता है, और जीवन पाया जाता है पौधों में, जंतुओं में और सूक्ष्म जीवों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रोब्स में। इसलिए हम लोग जीव विज्ञान को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते। अब हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल जो है जाने जाते हैं। अब जानेंगे हम लोग जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं। जीव विज्ञान को मूलतः तीन भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान या पौधा विज्ञान, जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी मीन्स सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो बॉटनी में हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। अब जानेंगे कि बॉटनी शब्द कहाँ से आया है। बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा के बॉटेन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स शाकीय पौधे। द टर्म बॉटनी हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बॉटेन दैट मीन्स हर्ब्स। जूलॉजी कहाँ से आया है? जूलॉजी शब्द दो ग्रीक वर्ड से बना है, जून मीन्स एनिमल्स और लोगोस मीन्स टू स्टडी। जूलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है, जून और लोगोस। द टर्म जूलॉजी हैज बीन टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जून एंड लोगोस। जून मीन्स एनिमल्स एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी, दैट इज स्टडी ऑफ एनिमल्स। यानी जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते। माइक्रोबायोलॉजी शब्द कहाँ से आया है? तो बायोलॉजी तो हम लोग जानते हैं कि ग्रीक वर्ड से आया है, बायोस और लोगोस। माइक्रो भी ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है में हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, वैसे जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जिन्हें नेकेड आई से, नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। सो माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी That deals with the study of microbes. अब चलते हैं बॉटनी की तरफ। बॉटनी जो है इसको डिफाइन करें हम लोग, कैसे परिभाषित करेंगे। बॉटनी जो है वो बायोलॉजी का ब्रांच है।
तो हम लोग कहेंगे वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ पौधों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स ओनली। वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी? वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में थियोफ्रास्टस को जाना जाता है। थियोफ्रास्टस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी। लेकिन बाद में फिर कैरोलस लिनियस है जो बहुत सारे पौधों का और कुछ जंतुओं का वर्गीकरण बताए, और उसके बाद से वनस्पति का अध्ययन करना, पौधों का अध्ययन करना इतना आसान हो गया कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी का सम्मान दिया गया। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। तो थियोफ्रास्टस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी एंड कैरोलस लिनियस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। अब चलते हैं जूलॉजी के तरफ। जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पौधों और जंतुओं में पहले अध्ययन शुरू हुआ जंतु का, और इसीलिए जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं और बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं। फादर ऑफ जूलॉजी इज आल्सो एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बायोलॉजी इज आल्सो एरिस्टोटल। अब चलेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो माइक्रोबायोलॉजी जो है के जनक के रूप में, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में लुईस पाश्चर को जाना जाता है। लुईस पाश्चर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी है क्या? तो माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग केवल माइक्रोब्स का अध्ययन करते। माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ माइक्रोब्स ओनली। माइक्रोब्स क्या है? तो माइक्रोब्स जो है जिन्हें हम लोग हिंदी में सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रोब्स वैसे जीवधारी हैं जो नेकेड आई से नजर नहीं आते। माइक्रोब्स आर सच ऑर्गेनिज्म, सच स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई। An optical instrument is required to see them. That is called microscope. अर्थात इन्हें देखने के लिए एक प्रकाशीय यंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, सिर्फ एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। तो जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम लोग सिर्फ जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो बॉटनी सिर्फ पौधों का अध्ययन होता है, जूलॉजी में सिर्फ जंतुओं का अध्ययन होता है, और माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।